देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ से जो मेरा यहाँ पर मैंने स्लिप नॉट से कनेक्ट किया था, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले जो ब्लॉक में जो यहाँ पर फाइव चेन्स वाला जो एक ब्लॉक है उसके अंदर आऊंगी। उसके अंदर आऊंगी कैसे, मैं यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाकर ये सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर आ जाऊंगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं यहाँ पर थ्री चेन्स बनाऊंगी, 1, 2 एंड 3। थ्री चेन्स बनाने के बाद मैं इसी वाले ब्लॉक के अंदर 11 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार बन गया मेरा, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा, और 10 टाइम्स और मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक जो है वो थ्री चेन्स बनाकर बनाया था, वो मेरा एक डबल क्रोशिया हो गया, और 10 टाइम्स मैंने और डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल जो है वो इस वाले ब्लॉक के अंदर हमारे 11 डबल क्रोशियाज हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थ्री चेन्स बनाऊंगी, 1, 2 एंड 3। थ्री चेन्स बनाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको थ्री ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक। तो जो सेंटर वाला ब्लॉक है इसके अंदर मैं जाऊंगी और यहाँ पर मैं इसे सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं अगेन थ्री चेन्स बनाऊंगी, 1, 2, 3। थ्री चेन्स बनाने के बाद मैं फिर से अपने ये जो फाइव चेन्स वाला ब्लॉक है इसके अंदर आ जाऊंगी, और यहाँ पर आकर मैं फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर मैंने 11 डबल क्रोशियाज बनाए थे, वैसे ही इस वाले ब्लॉक में आकर मैं यहाँ पर भी डबल क्रोशिया 11 टाइम्स बनाऊंगी। एक बार मेरा हो गया है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये मेरा 11 टाइम्स डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थ्री चेन्स बनाऊंगी, 1, 2 एंड 3। थ्री चेन्स बनाने के बाद मैं अपने ये थ्री ब्लॉक्स के सेंटर वाले ब्लॉक में आकर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दूंगी। सेंटर वाले में आकर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर से थ्री चेन्स बनाएंगे और फाइव चेन्स वाला जो ये मेरा ब्लॉक है उसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर मैं 11 टाइम्स जो है वो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले जो राउंड का मेरा पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा। पहले मैंने फाइव चेन्स वाले में आकर यहाँ पर 11 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया, फिर थ्री चेन्स बनाए, एंड जो सेंटर वाला हमारा ब्लॉक था इन तीनों ब्लॉक के अंदर, सेंटर वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, उसके बाद फिर से थ्री चेन्स बनाए, और फाइव चेन्स वाला जो मेरा ब्लॉक था उसके अंदर आकर मैंने फिर से 11 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, फिर थ्री चेन्स बनाकर एक सिंगल क्रोशिया से सेंटर वाले ब्लॉक में ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फिर थ्री चेन्स बनाकर फाइव चेन्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर 11 टाइम्स हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये करते हुए अपना इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना पूरा राउंड जो है वो कम्प्लीट करके मैं आपको यहाँ पर आकर एंड में मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये राउंड है ये कंप्लीट हो गया है। मैं अपने वर्क के एंड पे एंड में आकर मैंने जो ये माना फर्स्ट डबल क्रोशिया था उसके थर्ड चेन में जाकर मैंने इसे स्लिप नॉट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना नेक्स्ट राउंड जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके लिए आगे हमने क्या करना है ये देखिए जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशियाज बनाए हुए हैं उसके फर्स्ट जो चेन स्टिच था इसमें हमने स्लिप नॉट करके इसे कनेक्ट किया था पिछले राउंड जो हमने अभी एंड किया है। तो हमने नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने क्या करना है, 1, 2 एंड 3 चेन्स बनानी है, और यहाँ पर मैं एक पर्ल स्टिच बना दूंगी। देखिए पर्ल स्टिच कैसे बनता है, जो मैंने यहाँ पर अभी ये बनाया है थ्री चेन्स और पहले एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाया था, उन दोनों चेन्स के साथ देखिए जो सबसे नीचे वाला है उसमें टू चेन्स दिख रही हैं, एक ये चेन। हमें इन दोनों के बीच में से जाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
देखिए ये हमारा बन गया एक पर्ल स्टिच। अब देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक और बार नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर भी एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर फिर से थ्री चेन्स बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर फिर से हमने पर्ल स्टिच बनाना है। तो देखिए जो पर्ल स्टिच बनाते हैं हम, जो नीचे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उसके बाद थ्री चेन्स बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर सबसे नीचे जो है यहाँ पर टू स्टिचेज आते हैं। हम टू स्टिचेज के अंदर से जाते हुए एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना देते हैं, तो ये हमारा जो है पर्ल स्टिच बन जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर पर्ल स्टिच बनेंगे। देखिए पर्ल स्टिच बनाने के बाद हम अपने नेक्स्ट चेन में जाकर इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे एंड नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक बार पर्ल स्टिच बनाएंगे। 1, 2 एंड 3 चेन बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद जो नीचे के हमारे टू चेन्स हैं इनमें से निकालते हुए हम यहाँ पर एक पर्ल स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर पर्ल स्टिच बनाएंगे। देखिए ये हमारा पर्ल स्टिच हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे एंड नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर हम एक बार पर्ल स्टिच बनाएंगे। पर्ल स्टिच बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन स्टिच में हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं सिंगल क्रोशिया बनाकर। यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे बनाने के बाद हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर थ्री ब्लॉक्स थे, 1, 2 एंड 3, जिसके सेंटर वाले ब्लॉक में हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब हमने क्या करना है, जो इसका सिंगल वाला जो सेंटर वाला है अब हमने इसे स्किप करना है और जो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला है इन दोनों में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में हमें बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे ये वाला जो है हमारा, इसमें बनाएंगे हम, ऊपर वाले में नहीं बनाएंगे, नीचे वाले में बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से जाएंगे इसके अंदर क्रोशिया लेके, यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। हमारा फर्स्ट वाला जो है वो ब्लॉक इसके साथ ज्वाइन हो गया है। अब हमने जो ये लास्ट वाला जो सेंटर वाला हम स्किप करना है, थर्ड वाले में हम जाएंगे, ऊपर वाले में नहीं जाएंगे, नीचे वाले में ही जाएंगे। नीचे वाले में जाएंगे तो उसके बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन करेंगे। अब क्या करेंगे हम, जो ये इसकी फर्स्ट चेन है जो हमने 11 डबल क्रोशियाज बनाए थे, उसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर एक पर्ल बनाएंगे, थ्री चेन्स बनाएंगे। थ्री चेन्स बनाने के बाद नीचे की जो टू चेन्स है इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, हम यहाँ पर एक पर्ल बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और पर्ल को ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थ्री चेन्स बनाकर हम यहाँ पर फिर से पर्ल बनाएंगे। ये देखिए ये फिर से पर्ल बन गया। फिर से जाएंगे नेक्स्ट चेन स्टिच में, सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन्स बना के हम यहाँ पर पर्ल बनाएंगे। ये हमारा पर्ल बन गया। नेक्स्ट चेन स्टिच में हम इसे ज्वाइन कर देंगे और उससे नेक्स्ट चेन स्टिच में फिर से जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर फिर से पर्ल स्टिच बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर्ल स्टिच बन गया। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाके हम ज्वाइन करेंगे एंड नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे सिंगल क्रोशिया और थ्री चेन बनाएंगे, पर्ल स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारे 11 डबल क्रोशियाज जो है इसके ऊपर हम पर्ल्स बनाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये पर्ल्स बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारे ये सेंटर के थ्री ब्लॉक्स थे, हमने सेंटर वाले थ्री ब्लॉक्स सेंटर वाले ब्लॉक के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया था, तो अब हमें सेंटर वाला जो ब्लॉक है इसे स्किप करना है। तो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है हम इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऊपर हमने नहीं डालना है, नीचे वाले में डालना है। देखिए यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया। अब हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। सेंटर वाले को हमने स्किप करना है, थर्ड वाले में फिर से जाएंगे नीचे वाले ब्लॉक में और यहाँ पर जाकर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा ज्वाइन होता चला जाएगा इस तरीके से। अब फिर से हम 11 डबल क्रोशियाज पे आ गए हैं और यहाँ पर आके हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाना है
ये ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट में जाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर थ्री चेन्स बनाकर पर्ल स्टिच बनाएंगे। तो इस जो राउंड का हमारा पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। देखिए जो हमारे 11 डबल क्रोशियाज थे इस पे हमने पर्ल्स बनाए। पर्ल बनाने का मेथड मैंने आपको बता दिया उसके बाद हमने यहाँ पर जो थ्री हमारे ब्लॉक्स थे उसके फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक को हमने ज्वाइन किया। सेंटर वाला ब्लॉक हमने छोड़ दिया और उसके बीच में हमने थ्री चेन्स बनाए। फिर से हम 11 डबल क्रोशियाज पर आ गए। हमने यहाँ पर पर्ल स्टिच बनाया। पर्ल स्टिच बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले फर्स्ट डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर सेकंड वाले में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद थ्री चेन्स बनाया और थ्री चेन्स बनाने के बाद जो हमारी सबसे नीचे टू चेन्स थी उसमें से ज्वाइन करते हुए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने राउंड के एंड में आ जाएंगे। मैं आपको राउंड के एंड में आकर मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो लास्ट राउंड था वो भी बनकर कंप्लीट हो गया है और मेरी जो ये ड्रेस है उसका घेरा जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरी ड्रेस की कुछ इस तरह की लुक आई है। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस लग रही है। अब मेरी ड्रेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। बस हमने क्या करना है, हम यहाँ इसमें बॉर्डर बनाएंगे, स्लीव्स में बॉर्डर बनाएंगे और डोरी बनाएंगे। एक्चुअली मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में कि बॉर्डर कैसे बनाना है और जो डोरी है वो कैसे बनानी है, पर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में फिर से बताऊँगी एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं येलो कलर के थ्रेड में नॉट लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने येलो कलर में नॉट लगा लिया है। अब देखिए जो है हम सबसे पहले नेक लाइन का और फ्रंट का जो है वो बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसे यहाँ से ऐसे पकड़ा और ये जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टिच आएगा उसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के सबसे पहले हम येलो कलर को ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है वो बॉर्डर बनाना टू टाइप से बताया हुआ है, एक फ्रिल वाला और एक नॉर्मल वाला। तो देखिए अब मैं इसमें नॉर्मल वाला ही बना रही हूँ। अगर आप फ्रिल वाला बनाना चाहें तो फ्रिल वाला बनाने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में फ्रिल वाला भी बताया हुआ है, वो वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हुक में जाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर जाकर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे अगेन एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से बनाते हुए हम टॉप तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम नेक लाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के टॉप पर आ गई हूँ। टॉप के आने के बाद मुझे यहाँ से यहाँ पे टर्न करना है, नेक के ऊपर टर्न करना है। नेक पे टर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम सबसे टॉप पर आ जाते हैं तो हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाते हैं, यहाँ से एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे। इससे हमारा जो मूव है, जो कर्व है वो अच्छा आता है, इसीलिए यहाँ पर हम एक चेन बनाकर फिर कर्व करते हैं, फिर टर्न लेते हैं और अपना जो नेक लाइन है वो बनाते हैं। तो बनाना हमने सेम वैसे ही है, एक एक सिंगल क्रोशिया हम हर चेन स्टिच में बनाते हुए अपना जो ये नेक लाइन है इसे कंप्लीट करेंगे और नेक लाइन के एंड में आकर मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नेक लाइन के एंड में आ गई हूँ। एंड में आने के बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर जब नेक लाइन स्टार्ट की थी तब एक चेन स्टिच बना के कर्व किया था, वैसे ही एंडिंग में भी हम यहाँ पर एक चेन स्टिच बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। और अब हम नेक लाइन हमारी पूरी हो गई है, अब हम यहाँ से यहाँ तक बना के इसे कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको वहाँ मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो ये ड्रेस है बनकर कंप्लीट हो गई है। मैंने बॉर्डर यहाँ पे बनाने के बाद स्लीव्स पे भी सेम वे में बॉर्डर बना लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ डोरी बनाकर और यहाँ पे फ्लावर भी बना दिए हैं। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में डोरी और ये फ्लावर्स बनाना देख सकते हैं। बॉर्डर जो है मैंने जैसे आपको यहाँ पर बनाना बताया वैसे ही सेम मैंने ऐसे स्लीव्स पे बॉर्डर बना लिया। तो देखिए मेरी ड्रेस जो है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें कोई भी डेकोरेशन मटेरियल का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को ऐसा ड्रेस ऐसे ही अच्छी लग रही है तो मैं इसके अंदर कोई भी डेकोरेशन मटेरियल, कोई पर्ल फ्लावर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी डेकोरेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। मेरी जो ये ड्रेस है बनकर कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, आप ये ड्रेस बनाएं और मुझे प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें कि आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है। कान्हा जी पर ये ड्रेस डालकर बहुत सुंदर लगती है।
तो प्लीज़ आप ये ड्रेस बनाएं और अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर मुझसे शेयर करें। तो अब मैं चलती हूँ, थैंक यू राधे राधे।